नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड गुरु हरियन। साथियों, जैसे कि हर प्रकार की खबरें आप लोगों तक प्रेषित करते हैं, वो धार्मिक लेवल की हो, सामाजिक लेवल की हो, राजनीतिक लेवल की हो या क्राइम लेवल की हो। आज हम पहुंचे हैं भाई कुलदीप जी के ऑफिस पे, और कुलदीप भाई कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता जिसे कहते हैं। और इस परिवार की एक चीज मैं और बताऊंगा कि पूरा ही परिवार ये सोशल एक्टिविस्ट सबसे ज्यादा है, नेता कम है और समाज सेवी ज्यादा है। कुलदीप भाई से आज हम जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, लगभग 9 महीने हो गए हैं, 700-800 किसान शहीद हो चुके हैं, बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि युवा जो हमारे आत्महत्या करने को मजबूर है, जेब कतरी करने को मजबूर है, मोबाइल स्नैचिंग करने को मजबूर है, चैन स्नैचिंग करने को मजबूर है, यहां तक कि हत्या तक भी कर रहे हैं। 65 साल में कांग्रेस सरकार ने जो सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक कारखाने स्थापित किए, कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया। जय जवान जय किसान का नारा किसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने दिया या सर छोटू राम ने दिया, आज जवान की बेकदरी और किसान की बेकदरी किस कदर हो रही है। शायद हिटलर ने भी ऐसा काम नहीं किया होगा। आज हम जानना चाहेंगे भाई कुलदीप से एक खास रिपोर्ट। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो कुलदीप भाई, आप हमारे साथ में प्रथम बार जुड़ रहे हैं, मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। और पूरी अपनी सेंट्रल कमेटी की तरफ से बीपीए न्यूज़ के एक डायरेक्टर होने के नाते और आरबी रियल भारत भक्ति मेल का डायरेक्टर होने के नाते, आज तक का ब्यूरो चीफ होने के नाते, खबर हक का ब्यूरो डायरेक्टर होने के नाते आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। भाई सचिन जी का भी, भाई दीपक जी का भी, और आपके संस्थग्राम वासियों का और आपकी विधानसभा सभा। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, और देश में, ठीक है, मैं एक स्टेट की बात नहीं करूंगा, हर जिले के अंदर त्राही त्राही मची हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बीपीए न्यूज आप सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, आपने कष्ट किया हमारे ऑफिस पे आने का। और ये देखो जी, 9-10 महीने हो गए आज किसानों को रोड पे बैठे हुए, तो इसमें 800-900 हमारे किसान शहीद भी हो चुके हैं, तो इसमें सरकार को कुछ उनके बारे में सोचना चाहिए, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। जो आज किसान रोडों पे बैठे हैं उससे इतना, मतलब किसान इतने परेशान हैं, और ये मतलब सेंटर गवर्नमेंट और जो इन्होंने जो मांग रखी है अपनी, कि इनकी मांग जायज है, सरकार को इस पे अति हर चीज की खराब होती है और विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। भगवान जब किसी को दंड देना चाहता है तो उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है वो, फिर चाहे बाबा जी का देश बनाओ और उदय जन्मा से भी कह रखे, लक्ष्मी चंद्र भी कह रखे, बाजे भगत ने भी कह रखी है, धर्मपद धूम ने भी कह रखी है, बाणा रंगे तक कोई साधु नहीं बनता है, बाबा जी नहीं बनता। तो तथा जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पे, कांग्रेस का कर रहा जा रहा है हरियाणा में? हर बड़े हिरना बड़े सुगनी बड़े श्याम, कांग्रेस रथ को हार के भी भरी करेगा। राम बोल सच्चे दरबार की जय। इतने सालों से बसा हुआ है उस पर भी, तो ये सरकार को, सरकार का बस ये निकम्मापन, निकम्मापन, बस ये शब्द हम तो कहना नहीं चाहते, पर अब तो सरकार ने बिल्कुल अधिपार कर रखी है। एक अभी अच्छा एक बाजीगर देखा है आपने कुलदीप? बाजीगर, बाजीगर, हाँ बाजीगर डुगडुगी बजाता है जमूरे, ये बाजीगर के पास, जी 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 सोगज के प्लाट ले आऊंगा और ठीक है जी, कहाँ है बाद में वो प्लाट, एक घंटे के बाद वो खेल खत्म करके अपना देखे प्लाट प्लाट, वो सारी जगह भी प्ले भी सारी साथ चली जाती। तो ये कभी गंगा के घाट पे बैठता है, कभी बनारस में बैठता है, कभी जी एंड के गुफा में जाके बैठता है, अमरनाथ में बैठता है, कभी दाढ़ी बढ़ा लेता है, कभी कटवा लेता है, मतलब तो क्या शो करना चाहते हैं? इनकी बस यही राजनीति है, ये बस हिंदू, सबसे मेन तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बस इस पे राजनीति करते हैं ये, और इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब देखना 2024 में भी किस मुद्दे पर आएंगे चुनाव के ग्राउंड पे, देखना ये हिंदू मुस्लिम ही करा देते चुनाव से पहले, कुछ हमारे वहाँ जवानों को शहीद करा देते हैं, कुछ वहाँ पाकिस्तान में को वहाँ वो बम डाल दिया, तो ये कुछ भी नहीं है, ये बस दिखावटी है। सर ये मतलब ऐसा क्यों होता है कि जहां पर इनका चुनाव होता है वहीं 35 से 40 हमारे CRPF के BSF के जवान शहीद होते हैं? मेरे ख्याल से शायद कांग्रेस के राजनीति इतनी शहीद कभी हुई भी नहीं। वो तो देख लो जी आप 2014 से रब का रिकॉर्ड रिकॉर्ड कितने फौजी शहीद।
कोई ऐसा तो नहीं कि उन्होंने पहले प्लानिंग कर रखी थी कि केवल गृह मंत्री अमित शाह और मोदी और अंबानी और अडानी, हम दो हमारे दो, ये सीधे तो नहीं हो रहा। नहीं, यही हो रहा, वो तो अपने दोस्तों का ही वादा निभा रहे जी। yes. अडानी और अंबानी का सब कुछ उन्होंने दे दिया। देख लो आप रेल की देख लो या एयरपोर्ट देख लो। नहीं सर, इन्होंने नया क्या किया है? कांग्रेस के साम्राज्य में जिस वक्त जिन चीजों का उद्घाटन किया गया था, उन्हीं को पूरा कराया और क्या किया? नहीं, नया काम तो कोई स्टार्ट ही नहीं किया। इन्होंने तो जो हमारे कांग्रेस सरकार जब 2009 में जो हुड्डा मुख्यमंत्री जी थे, तो उसके टाइम जो घोषणा हुई थी वो अब कार्यकाल पूरे हुए है, उनके रिबन काटते डोल रहे। इन्होंने तो कोई नया काम तो कोई चालू किया ही नहीं। अच्छा, जिस समय हुड्डा साहब राजकोष को छोड़ के गए हरियाणा के, उसमें लगभग 2000 करोड़ छोड़ के गए थे जी। आज हरियाणा लगभग 250 लाख करोड़ का कर्जदार है। बिल्कुल, तो इसमें तो हम और आप भी नहीं बचे भाई। देखो जी, इसमें कोई नहीं बचा। अभी आप देख लो हमारे गुड़गांव निगम में फरीदाबाद को इन्होंने 150-200 करोड़ रुपए लोन दे रखा है। तो इसने इन्होंने तो यही कर रखा है। इन्होंने तो बस ये तो बीजेपी वाले तो खाने में लग रहे हैं, ये और किसी का कुछ ना होना था। इन्होंने जो कोई भी वादा किया था चुनाव में, नहीं तो कोई वादा पूरा किया है। कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। 1 किलोमीटर तक अपने सिंहासन को छोड़ के गए और महेंद्र सिंह टिकैत को बड़े आदर के साथ लेके आए, उनके चरण छू के उनको अपने आसन पर बैठाया जी। वो भी तो प्रधानमंत्री। देखो, कांग्रेस में हमारे जो राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री, किसानों की रिक्वेस्ट करते थे। yes. उनकी इज्जत करते थे, उन किसानों की वैल्यू की पता थी। बिल्कुल, ये तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तो किसानों को तो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रहे। और किसान एक अंधा था, एक भगवान का रूप होता है जो हमें। चाचा जी, इसमें चाणक्य ने एक बार कोई पंचायत रखी, तो उस पंचायत में आप जैसे बुजुर्ग कहने लगे कि चाणक्य जी, जब आप इतने पढ़े लिखे इतने विद्वान, तो आप ही राजा क्यों नहीं बनते, आप चंद्रगुप्त को क्यों बना रहे हो? तो चाणक्य ने एक बात कही थी, राजा हमेशा उसको बनाओ जिसका आगे आया पीछे धुआं हो, गृहस्थी हो, माँ बहने हो, बेटा बेटिया हो, पोते पोती हो। मैं तो फक्कड़ हूँ, मैं आग लगा के देश में पैर जाऊंगा कहीं भी। वो तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, खट्टर साहब, यस, तो मेरे क्या है? हाँ, मेरे के बच्चे रहे। हाँ, मैं तो चले जाऊंगा, तो जोड़ा ठा के चल देंगे। यही काम है। ऐसा है जी, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो, सरकार चौटाला की हो, किसानों के पीछे ये सब कुछ। अच्छा, ये समझिए, किसान हमारे देश का अन्नदाता है, अन्नदाता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई सेनापति हो, भी है वो किसान पे ही डिपेंड है। हाँ जी, तो कुलदीप भाई, तो देख लो जी आप 2014 से अरब का रिकॉर्ड रिकॉर्ड कितने फौज शहीद हुए हमारे। अच्छा, ये सच्चाई। अच्छा, दूसरा एक जो ये कहते हैं कि भाई नमो मोदी, नमो बीजेपी, नमो आरएसएस, कौन सा वादा पूरा किया है? और इन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन करेंगे, फौजियों को बरगला दिया, सबसे ज्यादा शहीद होने वालों में पैरामिलिट्री के जवान होती है, उनकी 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, केवल आर्मर का इन्होंने पेंशन में इंक्रीज किया है। तो क्या वो देश के सिपाही नहीं है? उनका नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखो, ये सरकार तो बस ये हिंदू मुस्लिम पर ही राजनीति करती है। अभी आप यहाँ देख लो, बंगाल में देख लो, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और आप देखना यूपी में भी कुछ सच्चाई। 5 जगह मिट्टी पिलीत हुई है। और ये तो अब ये तो देख लो ना, अभी इनकी स्थिति उत्तराखंड में देख लो, क्या कैसे सीएम चेंज कर, गुजरात में कर रही है। तो इनको तो अपनी स्थिति का पता है, अब इनको बुरा हाल होने वाला है। अब देखना, अब 2024 में मेरे साथ में बुजुर्ग मेरे चाचा जी हैं। चाचा जी ने चलो अंग्रेजों को टाइम नहीं देगा, लेकिन अपने बुजुर्गों से उनके बारे में जरूर सुना होगा। चाचा जी, अंग्रेजों के राज में कहते हैं कि यदि कुलदीप के फसल थोड़ी ज्यादा होगी तो 1-2 आना टैक्स बढ़ा देते थे। शायद कभी किसानों के साथ इतनी जाति उन्होंने भी नहीं की, कभी ना हुई, कभी भी नहीं हुई, कभी मुगलों ने भी नहीं की, नहीं। तो ये देश का दुर्भाग्य कहूंगा मैं इसको, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी कहती है, मेरी अनुसार ये भारत जलाओ पार्टी इसका नाम रख देना चाहिए, बेटी जलाओ पार्टी रख देना चाहिए। 1 किलोमीटर तक अपने सिंहासन को छोड़ के गए और महेंद्र सिंह टिकैत को बड़े आदर के साथ लेके आए, उनके चरण छू के उनको अपने आसन पर बैठाया, वो भी तो प्रधानमंत्री। देखो, कांग्रेस में हमारे जो राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री, किसानों की रिक्वेस्ट करते थे। yes. उनकी इज्जत करते थे, उन किसानों की वैल्यू की पता थी। बिल्कुल, ये तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तो किसानों को तो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रहे। और किसान एक अंधा था, एक भगवान का रूप होता है
जो हमें चाचा जी इसमें चाणक्य ने एक बार कोई पंचायत रखी तो उस पंचायत में आप जैसे बुजुर्ग कहने लगे कि चाणक्य जी जब आप इतने पढ़े लिखे इतने विद्वान तो आप ही राजा क्यों नहीं बनते, आप चंद्रगुप्त को क्यों बना रहे हो। तो चाणक्य ने एक बात कही थी, राजा हमेशा उसको बनाओ जिसका आगे आया पीछे धुआं हो, गृहस्थी हो, माँ बहने हो, बेटा बेटिया हो, पोते पोती हो। मैं तो फक्कड़ हूँ, मैं आग लगा के देश में पैर जाऊंगा कहीं भी। वो तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ना खट्टर साहब, यस मेरे क्या है, मेरे के बच्चे रहे, मैं तो चले जाऊंगा, जोड़ा ठाक चल देंगे जी। अभी नन का यही काम है, ऐसा है जी, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो, सरकार चौटाला की हो, किसान के पीछे ये सब कुछ सच्चाई है, समझिए। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई सेनापति हो, वो किसान पे ही डिपेंड है। तो कुलदीप भाई,